ये ट्रैफिक को लेके एक स्पेशल अभियान चलाया गया है। आज दूसरा दिन है मार्केट एरियाज में रोड्स पे हम पूरी अपनी जितनी भी टीम्स हैं अलग अलग टीम्स बना के पूरे रोड पे गश्त कर रहे हैं। सभी लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स की पालना हो, और जो ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं कर रहे हैं उनका मौके पे चालान किया जा रहा है। तो मैम, लगातार पुलिस द्वारा जो अवेयरनेस है कि ये चलाया जाता है, पर फिर भी लोग फॉलो करते हुए नहीं नजर आ रहे। ये एक एक्सरसाइज है जो रेगुलर बेसिस पे चलेगी। लोग जो है धीरे धीरे अवेयर काफी हो चुके हैं, धीरे धीरे और हो जाएंगे। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जाए इस ड्राइव के थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा हम चालान भी कर रहे हैं इसीलिए ताकि लोगों के अंदर और जागरूकता आए। एक बार अगर चालान होगा तो दूसरी बार वो ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, और ना ही सिर्फ दिखाने के लिए अपनी लाइफ सेफ्टी के लिए भी ये जरूरी है कि वो ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसको पूरा अच्छे से पालना करें। तो कितनी टीमें हैं मैम जो लगाई गई है पूरे? अराउंड 15 टीम्स हैं जो आज लगी हुई है, अलग अलग एरियाज में हम कवर कर रहे हैं, और सभी जो है अपनी अपनी चलानिंग मशीन के साथ इस चीज़ में अपने कार्यभार संभाले हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम, क्या चेतावनी है जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं? हमारी तरफ से एक ही मैसेज है सभी को, सभी जनरल पब्लिक को, कि ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से पालना करें। ये आपके हक में है, आपकी लाइफ की सुरक्षा के लिए ये बहुत अनिवार्य है। और जो जनरल पब्लिक की सुरक्षा, ना सिर्फ अपनी जो वाहन चालक है, ना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, बल्कि जो आसपास जो लोग चल रहे हैं दूसरे वाहनों पे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है। उनके लिए भी हम उनको अवेयर करा रहे हैं कि ये गलत है। जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं उसके अंदर ही अपना सामान रखें। अननेसेसरी रोड के ऊपर अगर अतिक्रमण रहता है उससे रोड जो है वो और संकरा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लोगों को अवेयर कराया जा रहा है कि वो अपना सामान वहाँ से हटाया जाए, और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो अभियान लगातार इसी तरह जा रहेगा? बिल्कुल, ये अभियान चलता रहेगा।